ये है वास्तुपाली हिल का वो एरिया, और ये वो मेन गेट जहाँ पे रहते हैं आलिया भट्ट और रणवीर कपूर। देखिए यहाँ से दिख रही है पूरी बिल्डिंग, ये वहाँ से बिल्डिंग नहीं दिख रही थी, वाइट कलर की है, 9 से 10 फ्लोर है इसमें। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग, आई होप अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल अनुस्कोप से। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं नए वीडियो के एक नए अंदाज में। तो फाइनली अभी हम लोग हैं मुंबई के पाली हिल इलाके में, और जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूँ, पाली हिल इलाके में मुंबई में बहुत बड़े बड़े धुरंधर अभिनेता और अभिनेत्री रहती हैं, जिनमें से कई हैं दिलीप कुमार साहब यहीं पर रहते थे, और ठीक है उनकी पत्नी यहीं पर रहती थी, सुनील दत्त साहब यहीं पर रहते थे, उनके बेटे संजय दत्त अभी भी यहीं पर रहते हैं, है ना, नसीरुद्दीन शाह यहीं रहते हैं, बहुत सारे ऐसे एक्टर और एक्ट्रेस हैं जो यहाँ पे रहते हैं। तो फिलहाल उन्हीं में से मैं आज एक फिल्मी जोड़े का मतलब घर दिखाने वाला हूँ जहाँ पे वो रहते हैं, जिनका नाम है रणवीर कपूर और आलिया भट्ट, जो कि आपस में इसी साल शादी कर चुके हैं, और अभी वो कहाँ पे रहते हैं मुंबई के अंदर वो मैं दिखाता हूँ। जैसा कि आप लोग को जानते हैं, अभी ब्रह्मास्त्र एक मूवी आई थी और एक आई थी शमशेरा रणवीर कपूर की, दोनों को बायकॉट किया गया और दोनों फिल्में जो है फ्लॉप साबित हुई हैं। ब्रह्मास्त्र तो अभी आई है, अभी उसका मेरे को पता नहीं, पर शमशेरा जो आई थी वो फ्लॉप हो गई फिल्म, बहुत बड़ी फ्लॉप रही थी, है ना। आलिया भट्ट भी इन दिनों मतलब कई खास मूवियों में नज़र नहीं आई, लेकिन हाल ही में आई मूवी RRR में वो नज़र आई थी, साउथ की फिल्म थी, अजय देवगन और आलिया भट्ट उस मूवी में नज़र आए थे अपने बॉलीवुड के कहें तो वो फिल्म काफ़ी सुपर डुपर हिट रही थी, तो उसने बहुत सारी कमाई करी। RRR मूवी तो अमेजिंग, क्योंकि वो साउथ वालों ने बनाई थी ना, अपने बॉलीवुड वालों में दम नहीं रह गया। तो चलिए इस वीडियो में हम दिखाएंगे रणवीर कपूर और आलिया भट्ट किस घर में रहते हैं, किस बिल्डिंग में रहते हैं, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये पाली हिल का एक बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है नरगिस दत्त मार्ग खार पश्चिम खार वेस्ट। आ गया यार, ये तो क्या बात है, आ सकता खार वेस्ट, लेकिन ये पाली हिल इलाका भी है यार, यहाँ पे पाली हिल रेजिडेंस है ना। तो नरगिस दत्त को अगर आप लोग नहीं जानते, तो ये हैं सुनील दत्त की पत्नी और संजय दत्त की माँ नरगिस दत्त, क्योंकि इसी गली में आगे रहते हैं, मतलब रहती थी संजय दत्त, अभी भी रहते हैं, उनका पूरा का पूरा बिल्डिंग है जिसमें वो अभी रहते हैं, और लेकिन ये रोड का नाम जो है नरगिस जी के नाम पे दे दिया गया है। नरगिस जी जो है एक 70s-80s की जानी मानी अभिनेत्री थी, जिन्होंने सुनील दत्त जो कि जाने माने अभिनेता थे उनके साथ शादी की थी, उन दोनों से एक पुत्र हुए जिनका नाम है संजय दत्त, जो कि बचपन से ही नशे की लत में अपना करियर बिगाड़ने को तुले थे, लेकिन रॉकी फिल्म से उन्होंने भी डेब्यू किया और बॉलीवुड पे धमाल मचाया। उसके बाद वो कई बहुत सारी ऐसी उलझनों में पड़े, लेकिन पब्लिक ने उनको प्यार करना छोड़ा नहीं, और आज भी वो बाबा के नाम से फिल्म इंडस्ट्री पे राज करते हैं। फिलहाल के लिए हम चल रहे हैं पाली हिल के उस बिल्डिंग के पास में जहाँ रहते हैं रणवीर सिंह और आलिया भट्ट। वैसे ये किसी न किसी के बंगलों हैं, लेकिन कई बार पता नहीं चलता कि कौन कौन किस किस बिल्डिंग में रहता है, बाद में पता चलता है तो हम दोबारा भागते हुए फिर से आते हैं। यार कंस्ट्रक्शन तो चलता रहता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ऐसे बनती रहती हैं जिनमें फिर बॉलीवुड स्टार ही रुकते हैं, आके फ्लैट खरीदते हैं या तो फ्लैट रेंट पर लेकर रुकते हैं। देखो बंद पड़ा है, कोई स्टूडियो वगैरह है क्या, ऐसे ऐसे बड़े गेट या किसी स्टूडियो में ही लगे होते हैं, इधर तो सब वही चल रहा है कंस्ट्रक्शन। और हम इधर पहुंच रहे हैं उस बिल्डिंग के पास में जहां पे रहते हैं रणवीर सिंह और रणवीर कपूर ऐसे रहता है, लेकिन रणवीर कपूर का घर चूँकि ऋषि कपूर जी के सुपुत्र हैं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं उस बिल्डिंग के पास में जहां रहते हैं रणवीर कपूर और आलिया भट्ट, जिसमें रहते थे ऋषि कपूर साहब भी, यहीं पे रहते थे, यहीं पे रहते रहते हॉस्पिटल गए और हॉस्पिटल में फिर उनकी मृत्यु हो गई। तो फाइनली हम बैक कैमरे को ऑन करेंगे, यहाँ पे सिक्योरिटी ज़्यादा रहती है, पिछली बार भी मैं आया था तो यहाँ पर लोचा हो गया था सिक्योरिटी को लेकर, है ना, मैंने बस पूछ ही लिया था कि वो यहाँ पर रहते हैं कि नहीं, बोला हाँ रहते हैं, तो क्या करने का, वो यहाँ पर नहीं है ये वो, हमने कहा हमें मिलना थोड़ी है यार उनसे, जो यहाँ पर नहीं है आप बोल रहे हो, होंगे भी तो कौन सा हमसे मिल लेंगे, कौन सा स्टार उस्टार से मिलते उलते रहते हैं हम, है ना। तो फिलहाल के लिए बता तो दिया था कि यही है, कई वीडियो भी यहाँ के पड़े हुए डाले रखे हैं, लेकिन पहले ऋषि कपूर जी यहाँ पे रहते थे तो उनके नाम से लोग वीडियो बनाते थे, लेकिन अभी यहाँ पे रहते हैं रणवीर कपूर और आलिया भट्ट और उनकी जो माता नीतू सिंह वो भी यहीं रहती हैं। अभी हम लोग आए हैं, ये जो रास्ता आप लोग देख सकते हो, और ये जाता है आगे, ये पूरा नरगिस दत्त रोड है, आगे है या दिलीप कुमार का प्रॉपर्टी पड़ा है, उनकी पत्नी सबीना बानो का पड़ा है, बंगला है, और आगे ही संजय दत्त और इमरान
वो सॉरी इमरान हाशमी का भी आगे घर है। तो यहाँ पे है ये वास्तुपाली हिल नाम से, आप लोग देख सकते हो ये बिल्डिंग का नाम है। ये बिल्डिंग के किस फ्लोर पे रहते हैं, 7वें 8वें फ्लोर पे रहते हैं रणवीर सिंह, ये अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि ये लोग बताते नहीं। गेट यहाँ पे देखिए, गेट यहाँ पर है और आगे पेड़ होने की वजह से पूरी बिल्डिंग दिखेगी तो नहीं, लेकिन हम वहाँ आगे चल के साइड से बिल्डिंग को दिखाते हैं भाई। गाइस यहाँ से आप लोग देख सकते हो ये है मेन गेट वास्तुपाली हिल का, और ये जो वाइट बिल्डिंग दिख रही है करीब 10 से 12 इसमें माले हैं, ऊपर यहाँ तक है, पेड़ों के बीच में छुपी हुई ना यहाँ की बिल्डिंगों का, यही तो लोचा है, पेड़ वेड़ सब होते तो पूरी दिखती नहीं। ये है वास्तुपाली हिल का वो एरिया, और ये वो मेन गेट जहाँ पे रहते हैं आलिया भट्ट और रणवीर कपूर, उनकी माता रणवीर कपूर की जो कि नीतू सिंह है, इनके भी हाल ही में एक फिल्म आई थी आप लोगों ने देखा होगा, कौन सी फिल्म थी, जुग जुग जियो फिल्म आई थी जिसमें अनिल कपूर के अपोजिट रही थी नीतू सिंह। बहुत दिन बाद मैंने उनकी फिल्म देखी थी, वो भी एक जानी मानी अभिनेत्री हैं अपने समय की क्योंकि ऋषि कपूर की पत्नी हैं। और ये पाली हिल इलाका इसलिए है क्योंकि ये एक पहाड़ी है, हिल है, हिल का मतलब पहाड़ी ना, हिल है पहाड़ी है, उसके ऊपर ये बसा हुआ है, तो थोड़ा इस यहाँ पर चलने वलने में बड़ी दिक्कत आती है चढ़ाई, इधर देखो ये पूरी चढ़ाई है ना। और रणवीर सिंह की, रणवीर कपूर की अगर बात करें दोस्तों, तो रणवीर कपूर की लास्ट फिल्म जो सुपर डुपर हिट रही थी वो संजू बाबा है ना, संजय दत्त साहब, उनकी बायोपिक बनी थी संजू करके, तो उनमें बायोपिक में इन्होंने काम किया था, बायोपिक जो है रणवीर कपूर ने ही की थी, जो संजय बाबा का रोल है वो रणवीर कपूर ने ही किया था, तो वो फिल्म जो है संजू बाबा की वजह से सुपर डुपर हिट रही थी, वरना तब से तो दिखे नहीं अभी तक रणवीर कपूर। और अब जो दो फिल्में लगातार बड़ी बड़ी फिल्में लाए थे काफ़ी मेहनत करने के बाद, उनको भी ऑडियंस ने जो है काफ़ी कुछ प्यार खास दिया नहीं, और फिल्में फ्लॉप साबित हो रही हैं। ये देखिए, ये तो ये सामने से पाली हिल वास्तु का नज़ारा ये देख सकते हो। अब चलिए दूसरी साइड से दिखाते हैं जहाँ से बिल्डिंग दिखे पूरी, तो देखिए यहाँ से दिख रही है पूरी बिल्डिंग, ये वहाँ से बिल्डिंग नहीं दिख रही थी, वाइट कलर की है, 9 से 10 फ्लोर हैं इसमें, 7वें 8वें फ्लोर पर रहते हैं रणवीर कपूर। फाइनली मैंने इस वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया है रणवीर कपूर और आलिया भट्ट कहाँ पे रहते हैं अपनी फैमिली के साथ में। पहले यहाँ पे ऋषि कपूर भी रहा करते थे, कई सारे वीडियो यहाँ के आप लोगों को ऑलरेडी मिल जाएंगे यूट्यूब चैनल पर, लेकिन मैंने दिखाया भाई, तो मेरे चैनल पर भी प्यार और सपोर्ट दिखाओ, वीडियो को शेयर करो दोस्तों के साथ, और चैनल पर पहले आप विजिट करो, प्लीज़ को सब्सक्राइब कर देना, पास में बेल आइकन दबाकर पे क्लिक कर देना, इंस्टाग्राम पर भी लोग फॉलो नहीं किया है वो चाहते हो मुझसे बात करना आप लोग को यहाँ पर यूजर नेम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जाइए हमें फॉलो कर लीजिए, अच्छी अच्छी बातें वहाँ पे करेंगे ना, लाइव आएंगे साथ में जब भी इंस्टाग्राम पे आएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।